हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और चलिए आज के वाली वीडियो स्टार्ट कर ले। आज के वाली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर बारिश के मौसम में आपके कपड़े नहीं सूख रहे हैं धूप की वजह से, तो आप यहाँ पे ये जुगाड़ कर सकते हैं जिससे कि आप अपने कमरे में ही, अपनी बालकनी में ही कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे लेना है हमें कोई भी दुपट्टा और उसको कर लेना है पीस पीस में कट। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स में इसको कट कर लिया है और ऐसे करते हुए हमें कई सारे स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। तो इसको कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी एक लंबी डोरी बनानी है। तो यहाँ पे आप, जैसे कि बारिश के मौसम में धूप वगैरह निकलती नहीं है, तो इसके लिए आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। इससे आप आसानी से अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं कमरे में, कहीं पे भी बालकनी में, कहीं पे भी कॉर्नर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें लेना है एक दुपट्टा एंड दो हैंगर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप इसको स्ट्रिप में कट कर दिया है और कट करने के बाद ऐसे ही हम और स्ट्रिप भी कट कर लेंगे। तो यहाँ से 2 इंच की या 2.5 इंच की स्ट्रिप हम कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें और भी स्ट्रिप को कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सारे स्ट्रिप को आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो ज्वाइंट करने के बाद एक लंबी डोरी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने और भी पीसेस कट कर लिए हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर कर लेना है इन सारे स्ट्रिप को आपस में ज्वाइंट। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम इसे कर लेंगे फ़ोल्ड। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम इसे कर लेंगे फ़ोल्ड और इसको कर लेंगे हम स्टिच। तो यहाँ पे मशीन से मैं इसको पहले ज्वाइन करूँगी और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर लेंगे स्टिच। सारे स्ट्रिप्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम इसे कर लेंगे कट। तो यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद आप इसको कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रिप को ज्वाइन कर दिया है और उसके बाद अब हम एक कॉर्नर से इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिंपली हमें ऐसे करके फ़ोल्ड करना और एक लंबी डोरी बनाकर तैयार करना है। तो बस हमें इतना ही सा काम इसमें करना है। यहाँ पे अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप इसको अच्छे से स्टिच कर लें। तो यहाँ से सिलाई लगाते जाएँगे और डोरी को हम बनाते जाएँगे। ऐसे करते हुए हम पूरी डोरी को स्टिच कर देंगे। पीछे से आप इसको खींचते रहें, ये जल्दी स्टिच होगी। तो ऐसे करके हम पूरा इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। करने के बाद ये एक लंबी डोरी बनकर तैयार होगी, क्योंकि मैंने कई सारी स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। और सारी स्ट्रिप को ज्वाइन करने के बाद आप इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद ये खूब बड़ी सी डोरी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो एक कॉर्नर से हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे ताकि ये आपस में उलझे ना, और यहाँ पे हम इसका एक गोला बना लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि ये आपस में गांठ ना पड़े, और यहाँ पर अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पुराने दुपट्टे से आप ऐसे करके इसको बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद ये गोला बनकर रेडी हो गया है। अब हमें लेना है 2 हैंगर। यहाँ पे मैंने 2 स्टील के हैंगर लिए हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों मैंने बराबर में लिए हुए हैं। और अगर आपके पास प्लास्टिक के हैंगर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें होल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टील का हैंगर यूज़ किया है। और इसके बाद हमें करना क्या है, जितना बड़ा भी आपको बनाना है उसी हिसाब से आप यहाँ पर डोरी की लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही डोरी को यहाँ पे ऐड करूँगी, ये मैंने जो गोला लिया हुआ था उसमें से, और यहाँ से इसको कर लेना है ऐसे ज्वाइंट। ज्वाइंट बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है यहाँ पे, ये बिल्कुल खिसकेगा नहीं। और यहाँ से सुई धागे से हमें बस एक स्टिचिंग लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से यहाँ पर स्टिक हो जाए। तो बहुत टाइटली हमें यहाँ पे सुई धागे से स्टिचिंग लगा दी है और यहाँ पे अच्छे से हम इसको पकड़कर नॉट लगाते जाएंगे जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाए। तो जितना बड़ा बनाना है उतनी बड़ी फिर आप इसकी लंबाई कट कर लें और उसी सेम लंबाई से आप और भी
इसमें लाइंस बना लें। यहाँ पे मैंने सुई धागे से इसको अच्छे से स्टिचिंग कर दी है और ऐसे ही करते हुए हम और भी सारी स्ट्रिप को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से ये इसमें अच्छे से सिलाई हो गई है और ये बनकर ऐसे हो गया है। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से टाइट जॉइंट हो गया है। अब नॉट लगाकर हम सुई को निकाल लेंगे। एक बार चेक कर लें कि टाइट हुआ है या नहीं, उसके बाद आप यहाँ से इसको कट कर लें। ये एक डोरी बन गई है। अब हम इसकी लंबाई देख लेंगे। आपको जितना लंबा बनाना है उसी हिसाब से आप डोरी को रखें। तो फर्स्ट वाली जो डोरी है उसी हिसाब से आप चारों डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इतना लंबा इसको बनाया है और अब यहाँ से डोरी को आप कट कर लें। जितनी लंबाई लेनी है आपको ले सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरे वाले हैंगर में इसको ज्वाइन कर देंगे। दूसरे कॉर्नर से जितनी लंबाई लेना है लेकर कट कर लें और फिर दूसरी वाली हैंगर में ज्वाइन कर दें। तो सेम ऐसे ही हम दूसरी लाइन में भी करेंगे। दूसरी लाइन में भी ऐसे ही इसको ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे इसी जो पहली वाली लाइन हमने कट की है उसी हिसाब से इसको भी कट कर लेंगे। तो सिंपली हमें इसको भी ऐसे सुई धागे से ज्वाइन कर लेना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए और उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो सेम ऐसे ही हमें इसमें भी कर लेना है और ऐसे करते हुए हमें और भी लाइंस को इसको तैयार कर लेना है। सेम ऐसे ही प्रोसेस हमें दूसरे वाले हैंगर में दूसरे कॉर्नर में भी कर लेना है। चारों को ऐसे अटैच कर लेना है बराबर से और फिर ये बनकर बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सुई धागे से इसको स्टिच कर दिया है और ऐसे ही हमें और भी लाइंस को कर लेना है। तो ये बनकर ऐसे अच्छे से नॉट लगाने के बाद तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गई है और ऐसे ही हमें और भी लाइन को तैयार कर लेना है। तो इसकी भी लंबाई हमें जितनी मैंने पहले वाली कट की थी उतनी हमें दूसरी वाली भी कट करनी है और दोनों की लंबाई हमें सेम रखनी है और अब ऐसे ही हमें चारों की लंबाई भी सेम रखनी है। जितनी गैपिंग चाहिए आप यहाँ से ऐसे इसको खिसका कर सकते हैं और ऐसे करके हमें चारों लाइन्स लगा दी है। तो यहाँ पे मैंने चारों लाइंस लगा दी है एक हैंगर में। अब दूसरे हैंगर में भी दूसरे कॉर्नर की चारों लाइंस को आप ऐसे ही सेम ज्वाइन कर दें। यहाँ पे जो चारों लाइंस बची हुई है उसमें भी हम दूसरे हैंगर में इसको ऐसे ही सेम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड में दोनों कॉर्नर में मैंने सेम ऐसे ही ज्वाइन कर दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। तो चलिए मैं इसमें कपड़े हैंग कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे लगाना है और कैसे आपको इसे हैंग करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक जो हैंगर का जो नॉट होता है वो यहाँ पे लगाया हुआ है और एक हैंगर का इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। ये डोरी छोटी पड़ रही थी तो मैंने यहाँ से इसमें डोरी बांध के इसको ऐसे हैंग कर दिया। तो बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया है। दोनों साइड में आप कहीं पे भी इसको ऐसे करके हैंगर की मदद से बस फंसा सकते हो और बिल्कुल ये कहीं से हिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहें तो हैंगर के फोल्ड को थोड़ा सा और हुक को थोड़ा सा और फोल्ड कर सकते हैं ताकि अच्छे से ये हुक में फंसा रहे। तो देखिए मैंने इसमें कितने ढेर सारे कपड़े डाले हुए हैं और भी अभी जगह बची हुई है। चार लाइन्स इसमें बनी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा जगह है यहाँ पर और आप चाहें तो और भी ज़्यादा इसमें कपड़े हैंग करके सुखा सकते हैं। यहाँ पे पंखा लगा हुआ है रूम में तो मैं इजी इसको यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे अच्छे से ये हवा से सूख जाएगा अच्छे से मेरा कपड़ा। अगर आप धूप नहीं निकल रही है तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे जुगाड़ करके अपने कपड़ों को गीले कपड़ों को हल्के नम कपड़ों को ऐसे डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको रहने दे सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।